ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला आया है। सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड में कुख्यात रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाए आजीवन कारावास की सजा। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की साल 2013 के अप्रैल महीने में डाबरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में आज जनपद गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में नामित 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दायर की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आज सोमवार को इस मामले में रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को दोषी पाया, वहीं जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन CPMM के निर्देशन में मुकदमा अपराध संख्या 184/13, जिसमें जो वादी है कमल भाटी, उसके भाई चमन भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसमें आज कन्विक्शन आया है। और रणदीप भाटी और उसके जो साथी हैं कुलबीर, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, उनको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन में गौतम बुद्ध कमिश्नरेट का और मॉनिटरिंग सेल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हत्या कब हुई थी सर? 2013। इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इधर कुख्यात के पेश होने के दौरान कोर्ट परिसर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। रोहित प्रियदर्शन, रेनो न्यूज़।